प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद। सर्वशक्तिमान दयालु धर्मी परमेश्वर पिता, मैं एक बार फिर से प्रभु जी आज के शाम के विलंब प्रभु मैं तेरे निकट में तेरी हुजूरी में आता हूँ मेरे महान परमेश्वर पिता। वो जिंदा खुदावन आपके प्रभु जी करीब में हर एक मसीह जितने भी आज जो है प्रभु के पास में, जितने भी प्रभु के निकट में आज प्रभु को पुकारो। आज प्रभु यीशु मसीह आपको बुरे वक्त में, वो बुरे समय में प्रभु यीशु मसीह आपकी जो है आपके पास में रहेगा। वो बुरे समय में, बुरे परिस्थिति में प्रभु आपके साथ रहेगा, प्रभु आपके निकट रहेगा, प्रभु आपकी हुजूरी में रहेगा, प्रभु आपके पास में रहेगा। इसलिए मेरे को आपको डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, घबराना नहीं है। वो परमेश्वर आपके साथ में, वो परमेश्वर आपके निकट में है, वो परमेश्वर आपकी जो है मेरे प्रियो नजदीक में रहता है। वो परमेश्वर के वचन में लिखा है, याकूब की पत्री में, परमेश्वर के पास आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा कहा। हालेलुया मेरे परमेश्वर पिता, जितने भी आज पिता प्रभु आज परमेश्वर पिता तेरे पास में, तेरे प्रभु जी निकट में, तेरी हुजूरी में आए हुए हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ धन्यवाद के साथ। हालेलुया हालेलुया, पवित्र 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 पवित्र, यस धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। ओ जीवन देने वाला, चंगाई और छुटकारा देने वाला, ओ संभालने वाला प्रभु जी, हमको सुरक्षित रखने वाला आज के शाम के विलंब प्रभु धन्यवाद करता हूँ। हमको बीते सप्ताह में सुरक्षित संभाला, हर एक काम काज करने में सहायता मदद किया हमको आपने, जीवन से हमारे जीवन को आपने सुरक्षित संभाल के रखा, प्राण दे आत्मा को आपने चंगा भला स्वस्थ रखा, निरोगी रखा, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ओ यीशु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र 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 प्रभु यीशु मसीह आज की प्रभु जी शाम के विलंब प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे महिमा के लिए, प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु जो परमेश्वर पिता आज हमको दिया। और प्रभु परमेश्वर पिता बड़ी भूख और प्यास के साथ, समर्पण के साथ, लगन के साथ प्रभु जी हम तेरे संगति में, तेरे विश्वास में, समर्पण के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं प्रभु जी। पिता प्रार्थना करता हूँ हमारे अंदर और जोश और जुनून दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी हम पिता तेरी इच्छा, तेरी मर्जी के अनुसार हम चल सकें मेरे महान परमेश्वर पिता। ओ हालेलुया हालेलुया, पवित्र पवित्र पवित्र, अति पवित्र महान महिमा में परमेश्वर पिता आज के शाम मेरे प्रभु जी एक एक जन प्रभु तेरे नाम को प्रभु लेकर धन्यवाद का बलिदान वो चढ़ाने वाले हो जाए पिता। वो धन्यवाद के साथ तेरी महिमा करने वाले हो जाए प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रभु वो तेरे निकट में, तेरे पास में रहने पाए पिता, तेरी हुजूरी में रहने पाए प्रभु जी। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यस यस यस, असंभव को संभव में बदल देने वाला परमेश्वर, ओ चंगाई और छुटकारा देने वाला, जीवन देने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, योजनाओं को सफल करने वाला मेरे प्रभु, एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ। जितने भी परेशानियां हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं और जितने भी कष्ट और दुख और मुसीबत परेशानियां हैं प्रभु तेरे नाम से खंडन करता हूँ, आज तेरे नाम से प्रभु जी मैं इसी वक्त निष्क्रिय करता हूँ। हालेलुया हालेलुया, पवित्र आत्मा धन्यवाद मेरे प्रभु जी। आज जितने भी परमेश्वर पिता तेरे पास में बैठे हैं वो प्रभु तेरे निकट में और तेरी हुजूरी में प्रभु रहने पाए मेरे परमेश्वर पिता, हालेलुया। और विशेष कर मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, आज पुकार रहे हैं आज प्रभु, जितने भी परेशानियों में, जितने भी दुख और कष्ट हैं, मुसीबतों में हैं, परेशानियों में पिता प्रभु, आज प्रभु जी उनकी प्रार्थना को सुनो मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। दुख में, संकट में मेरे प्रभु, प्रभु आपके साथ में है, आपको चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं है, विश्वास के साथ आज प्रभु को पुकारो। प्रभु आपके साथ में है, प्रभु आपके निकट में है, प्रभु आपकी हुजूरी में है मेरे प्रभु, इसलिए आपको डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, वो प्रभु से प्रार्थना करना है, वो प्रभु आपकी सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। और मेरे प्रिय मसीह भवन, आज वो परमेश्वर जिसने अभी तक आपको जीवित रखा वो मेरे प्रभु आपको मिटने नहीं देगा, नष्ट नहीं होने देगा आपको मेरे प्रभु। भले आप दुख में जीवन जी रहे हैं, भले आप कष्ट में जीवन जी रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो आज उस परमेश्वर को पुकारो तहे दिल से, वो परमेश्वर आपकी सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा और नया जीवन देगा आपको। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करेगा, प्रभु यीशु मसीह आपकी मदद करेगा और आपकी हर जरूरतों को परमेश्वर पूरा करके आपको नया मन्ना खिलाएगा। हालेलुया, रक्तम जियम, रक्तम जियम, यस 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 यस। ओ पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर पिता, मेरे सच्चे और अच्छे प्रभु जी, आज तू बदल दे, बदल दे, बदल दे, क्योंकि वचन में लिखा है हालेलुया, जो कोई प्रभु के नाम से आता है वो प्रभु उसको जो है ग्रहण करता है। हालेलुया, आज प्रभु जो है जितने भी प्रभु के पास में, जितने भी आज समर्पण के साथ, विश्वास के साथ, लगन के साथ आज बैठे हुए हैं, आज मैं प्रार्थना करता हूँ वो सारे अंधकार की शक्तियाँ, सारे अंधकार की युक्तियाँ आज नष्ट होने पाए, वो सारे शक्तियाँ आज मुसीबतों को आज यीशु के सामर्थ्य नाम में आज इसी वक्त जलाता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी पिता, एक एक मसीह भवन प्रभु जी आज पिता उनकी सुरक्षा और रक्षा तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता। एक बार एक बात और मेरे प्रिय मसीह भवन, आप ध्यान रखें, आपको कई बार अकेलेपन महसूस करता है शैतान, कई बार आपको
जो है गिराने की कोशिश में रहता है, कई बार आपको मेरे को फंसाने की कोशिश में रहता है, लेकिन आपको उस समय डरना नहीं है। लिखा है वचन में, याकूब की पत्री में, इसलिए परमेश्वर के अधीन में आ जाओ और शैतान का सामना करो। वो मेरे प्रभु परमेश्वर परमेश्वर का वचन में लिखा है, इसलिए सबसे पहले अपने जीवन को परमेश्वर के अधीन करो और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और वचन संहिता 91 में कहता है, तेरे निकट हजार और तेरे दाहिने में 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास नहीं आए, कहता परमेश्वर वचन। हालेलुया। मेरे प्रभु आप प्रार्थना जैसे भी करते हो, आपको हिम्मत नहीं हारना है, घबराना नहीं है। उसी समय उसी स्थान में आपको कष्ट में दुख और मुसीबत में परेशानी में रहते हुए भी आपको पुकारना है प्रभु को, कहना कि हे प्रभु परमपिता परमेश्वर, आज मैं तुझे पुकारूंगा, आज तू मुझे मेरी प्रार्थना को तो सुनेगा और मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, और प्रभु आपकी सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा मेरे प्रिय मसीह भवन। तो मेरे प्रभु आपको डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, घबराना नहीं है, आपको मेरे प्रभु बड़े विश्वास के साथ आगे बढ़ना है और प्रभु आपके संग और साथ रहेगा और आपको नया जीवन देगा। और मेरे प्रभु आप जहां भी हो, जिस भी स्थिति में हो, जैसे भी हो, प्रभु को पुकारोगे प्रभु आपके पास में रहेगा, प्रभु आपके निकट में रहेगा, प्रभु आपकी हुजूरी में रहेगा और प्रभु आपकी सारी प्रार्थना को सुनकर भी उत्तर देगा। इसलिए मेरे प्रभु आपको डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, घबराना नहीं है, आपको मेरे प्रभु परमेश्वर सपोर्ट करेगा, परमेश्वर आपको सहायता करेगा। आप दुख में कई बार अपने जीवन को आप अकेलेपन महसूस करते हैं, आप सोचते हैं मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा जो छुड़ाने वाला, मेरा बचाने वाला, मेरा मदद करने वाला कोई नहीं है, आप ऐसे सोचते हैं, लेकिन मेरे प्रभु आप ध्यान रखें, वचन में लिखा है संकट के दिन तू मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा, कहता है, तू मेरी महिमा करने पाए, कहता है परमेश्वर वचन। हालेलुया। मेरे प्रभु भजन संहिता भजनकार राज दाऊद हर समय मेरे प्रभु जो मेरे प्रभु बुद्धि का ज्ञाता है वो भी कहता है, हे मेरे पुत्र मेरे शिक्षा को तू न भूलना वरन अपने हृदय में रखी रहना, कहता है, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा, कहता है परमेश्वर वचन। हालेलुया। और आज मेरे प्रभु सचमुच में वो जिंदा खुदावन का वचन आपको कह रहा है कि संकट के दिन तू मुझे पुकार। हाँ मेरे प्रभु बुरे वक्त में आप प्रभु को पुकारें, प्रभु आपके पास में रहेगा, प्रभु आपके निकट में रहेगा। कई बार क्या होता है आपके साथ थाने अदालत कोर्ट कचहरी हो जाता है, आपके साथ मेरे प्रभु कई गंदा काम हो जाता है, लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष नफरत एक दूसरे पड़ोसी के साथ वाद विवाद हो जाता है। मेरे प्रभु उस समय कौन साथ देता है? प्रभु साथ देगा। आपके पड़ोसी नहीं देंगे, आपके परिवार वाले साथ नहीं देंगे, लेकिन उस समय मेरे प्रभु आपको परमेश्वर साथ देगा, परमेश्वर मेरे प्रभु आपकी सुधि लेगा। इसलिए तो मेरे प्रभु परमेश्वर का वचन आपको हर समय कहता है मेरे प्रभु मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे संभालूंगा, कहता है परमेश्वर। हालेलुया। और आज के शाम के बेरा मेरे प्रियो आप चिंता ना करें, वचन में लिखा है हे सब बोझ से दबे कुछ लोगों परिश्रम करने वाले मसीह भवन मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे सारे चिंताओं को, सारे बोझों को, सारे दुखों को मैं दूर करूंगा, कहता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो अपने सारे चिंताओं को, अपने सारे दुखों को आप प्रभु के ऊपर समर्पण कर दें, प्रभु को सौंप दें, प्रभु आपकी सारे चिंताओं को, सारे दुखों को दूर करके आज आपको नया जीवन देगा और आपको संभालेगा और मेरे प्रियो आपको उठाएगा। वो परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, लेकिन हर एक कार्य संभव है। इसलिए मेरे प्रभु आपको डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, घबराना नहीं है, विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, विश्वास के साथ कहना है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा रक्षा करने वाला, प्रभु मेरा चुराने वाला, प्रभु मेरा बचाने वाला, प्रभु मेरा जीवन देने वाला, प्रभु मेरा अद्भुत युक्ति करने वाला, योजना को सफल करने वाला। प्रभु आपको जरूर सपोर्ट करेगा, प्रभु आपको सहायता करेगा, प्रभु आपको मदद करेगा, आपके मेरे प्रभु संग और साथ रहेगा, प्रभु आपकी जो है अगुवाई करेगा, प्रभु आपको नया जीवन देगा, आपको बुद्धि समझ से भर देगा, ज्ञान से भर देगा। इसलिए मेरे प्रभु आपको जिस भी परिस्थिति में हो, जिस भी स्थिति में हो, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके निकट है और प्रभु आपके सारे प्रार्थना को सुनकर वो उत्तर देगा। हालेलुया। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज जितने भी स्थितियाँ हैं, जितनी भी परिस्थितियाँ प्रभु आज तेरे नाम से प्रभु जी आज दूर होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करो, सहायता और मदद करो। और पिता हर एक परेशानियाँ, हर एक दिक्कतों को आज तेरे नाम से प्रभु जी मैं खंडन करता हूँ। और एक एक विश्वासी मसीह भाई बहन जितने भी पिता तेरे पास में बैठ कर आज शाम के विलंब इस प्रार्थना को सुने हैं, पिता उनके बुरे वक्त में तू साथ देना। वो बुरे वक्त में कोई खड़े नहीं रहेगा, लेकिन प्रभु आपके साथ खड़े रहेगा। मेरे प्रियो बुरे समय में, बुरे कष्ट में, बुरे मेरे प्रियो योजना में कोई साथ नहीं देगा, लेकिन प्रभु आपको साथ देगा, प्रभु आपको सपोर्ट करेगा, प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, प्रभु आपकी परेशानियों को जानता है, प्रभु आपके दुखों को दूर करने वाला है, प्रभु आपके सारे परेशानियों को निकाल कर नया जीवन देगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। वो जीवित परमेश्वर आज आपके सारे प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा और आपके सारे दुखों को और सारी चिंताओं को, सारे कष्टों को वो परमेश्वर दूर करके आपको नया जीवन देगा। हालेलुया। लेकिन आपको कभी अपने आप को अकेलेपन महसूस नहीं करना है, लेकिन आपको मेरे प्रभु
जीवित परमेश्वर आपके साथ में है तो आपको डरना नहीं है, विश्वास के साथ डटकर सामना करना है शैतान का। वचन के अनुसार आपको मेरे प्रभु उसको जवाब देना है, वचन के अनुसार आपको उसको कहना है कि हे दुष्ट अंधकार की ताकत, तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, और तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, तू मेरे जीवन को छोड़कर चला जा। उसको डांटना है मेरे प्रिय मसीह भाई, और जब डांटोगे, जब उसको डांटोगे, जब मेरे प्रभु आप डांट कर उसको जो है भगाओगे, तो प्रभु आपके जो है साथ रहेगा, प्रभु आपकी सारी प्रार्थना को सुनेगा। लिखा है ना वचन में कि दो तुम जो कुछ पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और तुम जो कुछ पृथ्वी में खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। मेरे प्रभु जी आज सचमुच में जितने भी तेरे बेटे और बेटी आज प्रभु बड़े समर्पण साथ विश्वास के साथ पुकारे हैं, प्रभु सबकी तू प्रार्थना को सुनना, सबकी जरूरतों को पूरा करना, और सबकी प्रभु जी वो प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी उत्तर देना प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता अरे एक एक मसीह भवन आज पिता धन्यवाद के साथ तेरी महिमा करते हुए आगे बढ़ने पाए। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ, और पिता ये प्रार्थना प्रभु जितने लोग सुने हैं पिता साथ के लिए प्रभु जी आज बड़े बदलाव कारण होने पाए पिता, और प्रभु जी आज के शाम के फिल्म में एक बड़े विश्वास के साथ आनंद के साथ प्रभु जी तेरी महिमा करते हुए प्रभु विश्राम करने पाए मेरे प्रभु जी। आज हर एक थकान को प्रभु विश्राम देना, और प्रभु मीठी नींद देना प्रभु जी, ताकि भोर के तड़के फिर से आपके संगति में बैठने पाए और तेरी महिमा करने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमेन। हालेलुया। प्रभु आप सहायता किया, मदद किया, उसके धन्यवाद, और सारे प्रभु जी बुरे संगति बुरे कष्टों से आपने बचाए उसके धन्यवाद। पिता आपने हमारी सारी प्रार्थना को सुना, दुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमेन।